हेलो गाइस, दिस इज रिद्धिका सिंह। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक वी क्लास। आज हम इस वीडियो में क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनको हम नेचुरली काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके काउंट कर सकते हैं, उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर का सिंबल होता है एन। एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। एन क्या क्या होता है? 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 डॉटेड सारे नंबर्स रिटर्न करेंगे। इनका ग्रेटेस्ट नंबर फिक्स नहीं होता है, बिकॉज एक नंबर जितना भी हम ग्रेटेस्ट नंबर बोलेंगे उससे भी बड़ा नंबर उसमें 1 ऐड करके लिखा जा सकता है। इसको W से इंडिकेट करते हैं। W इज इक्वल टू होता है होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर रहेंगे उसमें 0 और इंक्लूड कर देंगे तो हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 डॉटेड। नेक्स्ट आता है इंटीजर। इंटीजर को जेड से इंडिकेट करते हैं। इंटीजर क्या होते हैं? जितने भी होल नंबर्स हैं सारे होल नंबर्स एक साथ कंबाइन करेंगे वो 0 1 2 3 डॉटेड और सारे नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर लेंगे। नेगेटिव नंबर मीन्स -1 -2 -3 डॉट सारे नेगेटिव नंबर्स, तो वो हो जाएंगे इंटीजर। नेक्स्ट आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम क्यू से इंडिकेट करते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है? जितने भी इंटीजर्स हैं सारे इंटीजर्स और कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू भी रिटेन कर लेंगे। कंसिडर 1/2 3/4 -1 -2 0 1 2 डॉट सारे वैल्यू, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा डीप में समझ लेते हैं। रैशनल नंबर क्यू, क्यू को हम क्या कर सकते हैं? पी अपान क्यू के फॉर्म में रिटेन करना होगा। विदाउट पी अपान क्यू के फॉर्म में उसको रैशनल नहीं बोल सकते हैं। पी अपान क्यू का मतलब पी और क्यू ये दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। और एक कंडीशन, क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम क्यू जीरो ले लेंगे तो जो रैशनल नंबर की वैल्यू आ जाएगी वो इनफाइनाइट होती है, जो कि एक कोई नंबर्स नहीं होते इनफाइनाइट। इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर वो नंबर होते हैं हम जिनको अंडर रूट के फॉर्म में लिखते हैं। कंसिडर 2 √3 √5 इनका अंडर रूट फाइंड करने पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएंगे, पॉइंट्स के फॉर्म में नंबर्स आएंगे, उनको इरैशनल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है रियल नंबर। रियल नंबर को आर से इंडिकेट करते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? जितने भी ऊपर के सारे नंबर हैं सबको एक साथ कंबाइन करके रियल नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे हम इनको शॉर्ट फॉर्म में बताएं, सबसे स्मॉल होता है नेचुरल नंबर, इसमें 1 2 3 सारे नंबर आएंगे। 0 अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो वो होल नंबर आ जाएंगे। ये होल नंबर हो गए, होल नंबर के इतने सारे सेट्स। होल नंबर में हम सारे नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड कर लेंगे तो वो हो जाएगा इंटीजर्स। इंटीजर में रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर भी कंबाइन कर लेंगे, इट मीन्स 1/2 3 1/5 और √2 √3 √5 √7 इनको कंबाइन कर लेंगे तो ये हो जाएगा सेट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या होते हैं? ऊपर के सारे नंबर्स 1 0 1 -1 2 √√ division सारे को एक साथ कंबाइन करके हम बोलते हैं डॉटेड। इट मीन्स रियल नंबर सबसे बड़ी नंबर्स होती हैं। एक और नंबर्स का टाइप होता है हम जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हायर क्लास में पढ़ना है, क्लास 11-12 में पढ़ने हैं। क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर सी होता है, जैसे अंडर रूट माइनस टू क्या है? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर। अंडर रूट टू तो हम फाइंड कर सकते हैं डेसिमल के फॉर्म में, बट माइनस टू उसके साथ इंक्लूड रहता है, इट मीन्स इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। अंडर रूट माइनस टू हो गया, -√3 -√7 ये सारे क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। इनको कम्प्लीटली हम कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जिसको सॉल्व नहीं कर सकते वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my YouTube channel for more videos.